नमस्कार, दिनभर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुख करते हैं दिनभर की टॉप खबरों की ओर। पहली खबर पोड़ियाहाट थाना अंतर्गत द्रोपद गांव से आ रही है, जहां 40 वर्षीय महिला प्रियंका देवी को उसके पति और पति के साथ अवैध संबंध में रह रही महिला ने गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पति पप्पू मंडल और ललिता देवी पिछले एक वर्ष से संबंध में थे। जब यह खबर पप्पू मंडल की पत्नी प्रियंका देवी को हुई तो पप्पू मंडल ने ललिता देवी के साथ मिलकर उसके ही कमरे में रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। मौके पर रामनवमी का चंदा लेने पहुंचे ग्रामीणों ने जब चीख सुनी तो वे घर के अंदर गए, जहां पप्पू मंडल और ललिता देवी मृत प्रियंका देवी के शव के साथ पकड़े गए। दूसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा के बाजारों में आज रामनवमी की तैयारियां जोरों पर दिखी। सुबह से ही सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानों में धजा और मिठाइयों की दुकान लगी हुई थी। इस बीच हटिया परिषद स्थित मंदिर में विधि व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा IRB के जवानों की भी तैनाती की गई थी। उनके साथ शहर के विभिन्न जगहों पर पदाधिकारियों द्वारा लगातार गश्तियां भी की जा रही थी। साथ ही कोरोना नियमों को पालन कराने का हर संभव प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष मंदिरों में भीड़ भी कम देखी गई। तीसरी खबर में आपको बता दें कि NTPC कहलगांव द्वारा महागामा अस्पताल को एम्बुलेंस के रूप में सौगात दिया गया, जिसे महागामा अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को इस एम्बुलेंस से काफी सहायता मिलेगी। एम्बुलेंस चालक प्रहलाद यादव ने बताया कि NTPC के द्वारा यह CSR एम्बुलेंस कुछ दिन पहले ही दी गई थी, जिसमें रोगियों के लिए लगभग सारी आवश्यक सुविधाएं इस एम्बुलेंस में उपलब्ध हैं, जैसे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एयर कंडीशन इत्यादि। हालांकि अभी इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाई गई है, लेकिन कल या परसों महागामा रेफरल अस्पताल के द्वारा एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा दिया जाएगा। अगली खबर में आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं द्वारा मोहनपुर हटिया में COVID-19 के बढ़ते महामारी की रोकथाम के लिए हटिया में रेखांकन किया गया। जिस प्रकार पिछले वर्ष महागामा बसुआ चौक पर रेखांकन किया गया था, उस रेखांकन से प्रसन्न होकर इस वर्ष भी प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस भयानक महामारी में सहयोग करने के लिए आग्रह किया गया, जिसको लेकर आज प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक रेखांकन किया गया। और वहां आसपास के लोगों से अनुरोध भी किया गया कि आप लोग भी खुद से हटिया में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और अंत में आपको बता दें कि चैत नवरात्रि की पावन पर्व 13 अप्रैल से ही शुरू हुआ था। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। कई भक्त इस पर्व में 9 दिनों तक व्रत भी रखते हैं, जहां घट स्थापना से नवरात्रि व्रत की शुरुआत होती है, वहीं कन्या पूजन के साथ व्रत का समापन किया जाता है। आज नवरात्रि के अष्टमी का दिन है, लेकिन आज महागामा के महुआरा चैती दुर्गा मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष कम भीड़ देखी गई। लोगों ने इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से घर में ही रहकर पूजा आराधना की, और कुछ लोग मंदिर आए भी तो मास्क पहनकर और COVID-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूजा की गई।